वेरी गुड मॉर्निंग, एक्चुअली गुड आफ्टरनून बोलने की थोड़ी आदत पड़ गई है. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल. आई एम यामिनी टुकराली, योर बायोलॉजी मेंटर फॉर क्लासेस 11th एंड 12th. तो आज मैं 12th के बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन का वन शॉट लेके आई हूँ. जैसे कि आपको पता है कि 12th की क्लासेस अब डेली जो है 12th की क्लासेस 10 AM एंड 6 PM लगेंगी. 6 PM लगेगी, तो मैं रोज के रोज इन दो टाइम पे डेली आऊंगी. एक वाले सेशन के अंदर, जो शाम वाला सेशन है उसके अंदर तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और वहीं जो दिन वाला सेशन है उसके अंदर हम लोग माइंड मैप्स और कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे. तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द वन शॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन. जैसे कि आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी हमारा चैप्टर जो है टर्म 2 के अंदर आ रहा है, तो उसका हम लोग जो है वन शॉट करने जा रहे हैं. वन शॉट चैप्टर रिवीजन, इसका जो डिटेल्ड है, डिटेल्ड सब टॉपिक्स को आप लोग मेरे जो है प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं. सो स्टार्टिंग ऑफ विद बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी? इट कैन बी डिफाइंड एज द अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स, जीन पूल, स्पीशीज, हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम इन अ गिवन रीजन. इन अ प्रोवाइडेड रीजन क्या होता है? जब हमारे जो जीन है, जीन पूल्स है, स्पीशीज है, हैबिटेट्स है, इकोसिस्टम है, वो सारा का सारा मौजूद होता है इन अ रीजन, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. So the term biodiversity, it was given by sociobiologist Edward Wilson to describe the combined diversity. जब हम लोग biodiversity की बात करते हैं, it is the combined diversity. पूरी जो एक combination में होती है diversity, वो होती है at all levels of the biological organization. अब हम पढ़ेंगे कि biological organization different different levels के, different different hierarchy की क्या क्या होती है. ठीक है, ठीक है. So there are more than 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes and nearly 20,000 species of orchids. ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि कितनी सारी species है, ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है. Investing time more in the biotech chapter and the human health and disease and common microbes in the human welfare. इसमें थोड़ा कम time लगाना है क्योंकि इसके अंदर theory इतनी आएगी नहीं. ये जो species का number है, this is not necessary कि हमें वो species का number याद रखना है ना. It is not necessary कि हमें जो है species का number याद रखना है. So biodiversity, it can be divided into the following levels. वो हमारे जो है following levels में जो है divided रहेगी. फर्स्ट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी, इट इज द डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल, जिसके अंदर हम लोग जीन्स की डाइवर्सिटी देखते हैं. इंडिया इज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस, 1,000 वराइटीज ऑफ मैंगो. फॉर एग्जाम्पल, जेनेटिक वेरिएशन इन द मेडिसिनल प्लांट विच इज द रोवल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रीजन, इट मे बी इन टर्म्स ऑफ द पोटेंसी और द कंसेंट्रेशन ऑफ एन एक्टिव मॉलिक्यूल. दूसरी हमारी आती है स्पीशीज डाइवर्सिटी, विच इज द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल. फॉर एग्जाम्पल, एट द वेस्टर्न घाट्स दे हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स. जो हमारे यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स होते हैं, यहाँ पे एम्फीबियन की डाइवर्सिटी ज्यादा रहती है और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स में कम रहती है. फिर हमारे जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आती है, इट इज द डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल. एंड फॉर एग्जांपल, इंडिया विद इट्स डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्टुअरीज, अल्पाइन मीडोज, इट हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी. क्लियर यहां तक? सो फिर हमारी आती है ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, जो कि हमारी ऑल ओवर डाइवर्सिटी होती है. इट इज अ टोटल स्पीशीज विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. तो IUCN ने इन 2004 एस्टिमेटेड दैट अ टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, इट इज मोर देन 1.5 मिलियन. इट इज मोर देन 1.5 मिलियन. सो मोर देन 70% ऑफ द स्पीशीज रिकॉर्डेड दे आर एनिमल्स, पर प्लांट्स जो है नॉट मोर देन 22% दे आर प्रेजेंट. ओके, so among the animals, insects are the most species rich taxonomic group, जिसको क्या होता है, which makes about 70% of the total. It means that out of every 10 animals, 7 are insect. 70% जो है हमारी insects होती हैं. अब हमारी आती है क्या, अल्फा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी. अब हमारी क्या आती है, अल्फा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी. दिस इज द टाइप्स ऑफ ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी. जब हम सिर्फ एक साइट के अंदर स्पीशीज डाइवर्सिटी देखते हैं, दैट इज टर्म्ड एज द अल्फा डाइवर्सिटी.
जैसे हमने सिर्फ साइट बी की कंसिडर करी, या फिर हमने सिर्फ साइट ए की देखी, या फिर सिर्फ साइट सी की देखी, दैट इज रेफर्ड टू एज दी अल्फा डाइवर्सिटी. और वहीं जब हम लोग दो साइट्स को देखते हैं, दो आसपास वाली साइट्स को देखते हैं, दैट इज दी बीटा डाइवर्सिटी, जिसके अंदर जीन्स दे कैन मूव, द जीन्स द स्पीशीज दे कैन मूव. सो दिस इज नोन एज बीटा डाइवर्सिटी. एंड जब हम सारी साइट्स एक एरिया में जो प्रेजेंट होती है उनकी डाइवर्सिटी देखते हैं, दैट इज दी गामा डाइवर्सिटी, दैट इज दी गामा डाइवर्सिटी. दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी दैट आर प्रेजेंट. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? जब हम सिर्फ एक साइट पे देखते हैं दैट इज दी अल्फा डाइवर्सिटी, जब दो साइट्स पे देखते हैं इन अ गिवन एरिया तो हमारी बीटा डाइवर्सिटी होती है, जब हम सारी साइट्स की स्पीशीज को कंसिडर करते हैं दैट इज अ गामा डाइवर्सिटी. अब ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी को जब हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कुछ ऐसा हमारा जो है पाई चार्ट ऑप्टेन होता है. इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स ग्रुप एंड प्लांट्स. इनवर्टिब्रेट्स में जो हाईएस्ट है हमारे इंसेक्ट्स होते हैं. प्लांट्स के अंदर फंजाई एंड एंजियोस्पर्म्स दे आर प्रेजेंट मोर, एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेज दे आर प्रेजेंट मोर. ठीक है, सो अबाउट 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड ट्वाइस एज मेनी ऑफ एनिमल्स दे हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया. So, maize global estimates say 22% of the total species they have been recorded so far. मतलब अभी कितनी सारी रह रही होंगी, है ना? Patterns of biodiversity की जब हम लोग बात करें तो उसमें क्या आती है, सबसे पहले latitudinal gradient. Latitudinal gradient क्या होता है? It demonstrates the decrease in the species diversity as we move away from the equator. जब हम equator से move करेंगे, चाहे इस तरफ, तो जो diversity है, it will decrease. The diversity बच्चों, it will decrease. Why? क्योंकि equator पे जो है हमारा tropical temperature रहता है, which remains constant throughout the year. वहीं जब वो temperate की तरफ जाता है, the temperate it is more prone to the seasonal variations. So tropics, the latitude range of 23.5 degree north to 23.5 degree south, they have more species than the temperate area. Why? Because example हम देख लेते हैं, Colombia near the equator it has around 1400 species of the bird. जब हम थोड़ा ऊपर मूव करते हैं न्यूयॉर्क की तरफ इट हैज 105 species, और जब हम लोग बिल्कुल एक्सट्रीम पोलर में जाते हैं that is the Greenland, वहां पे सिर्फ 56 species है. So tropical areas they have a more species diversity, they have more diversity. So India with much of its land area in the tropical latitude has more than 1200 species of the bird. ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि ट्रॉपिकल एरियाज में क्यों इतनी ज्यादा ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी होती है. फर्स्ट, एज आई टोल्ड यू, स्पीसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. जो टेम्परेट रीजन्स है ना, दे आर प्रोन टू फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशन इन द पास्ट, बट जो ट्रॉपिकल है दे रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, दे रिमेन अनडिस्टर्ब. वहीं जो ट्रॉपिकल एनवायरमेंट है दे आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड मोर प्रेडिक्टेबल, तो वहां पे जो है हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी दे फ्लरिश. मोर सोलर एनर्जी इट इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स, जो कि प्रोडक्टिविटी को ज्यादा करता है. एज यू नो दैट सोलर एनर्जी इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोडक्टिविटी, बायोमास प्रोडक्शन के लिए वो हमारा जो है ड्राइविंग फोर्स होता है. स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ड, अ जर्मन नेचुरलिस्ट, उन्होंने जो है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बताया था, कुछ ऐसा आया था, एस इज इक्वल टू सी ए रेज टू द पावर जेड, एंड हमारा जो ये स्ट्रेट लाइन कर्व था उसमें आया था लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए. अब इसमें क्या बोला गया है कि जैसे जैसे हम लोग एरिया को एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज्यादा हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी. जितनी ज्यादा हम लोग एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज्यादा हम लोग एरिया डिस्कवर करेंगे उतनी ज्यादा हमें स्पीशीज मिलेंगी, ये इन्होंने बोला था. हाय रिया. So, the relation between a species richness and a area for a wide variety of taxa turns out to be rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola आता है, पर logarithmic scale पे जब हम इसे देखते हैं तो हमारी कुछ ये आती है, जिसमें हमारा क्या है, S is equal to species richness, A is equal to area, C is equal to y intercept and Z is the slope of the line, जो कि regression coefficient बताता है. अब जो slope है उसकी value जो रहती है around 0.6 से 1.2, पर जो tropical फॉरेस्ट है वहां पे कितनी रहती है 1.15. नॉर्मल वैल्यू 0.1 से 0.2 रहती है जेड की, बट क्या होता है कि जब स्टीपर कर्व होता है, जब स्टीपर कर्व होता है तो हमारी ये वैल्यू आती है, और जब ट्रॉपिकल्स होते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है. ठीक है, सो इंपॉर्टेंस ऑफ दी स्पीशीज डाइवर्सिटी. अब हमारी जो हमने इतनी स्पीशीज डाइवर्सिटी बोली उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो कम्युनिटीज जिसके अंदर ज्यादा स्पीशीज होती हैं दे आर मोस्ट स्टेबल. जब कम्युनिटीज के अंदर ज्यादा स्पीशीज होंगी दे आर मोस्ट स्टेबल. सो स्टेबल कम्युनिटी आर, इट शुड नॉट शो मच वेरिएशन ऑफ प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर.
It must be either resistant or resilient to occasional disturbances. It must be resistant to the invasion by the alien species. ये stable community के जो है हमारे characteristics होते हैं, ठीक है? So, उन्होंने क्या किया था, डेविड टेलमैन ने, उन्होंने जो है लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने प्लॉट्स किए थे विद मोर स्पीशीज दैट शोड द कम्युनिटीज विद द मोर स्पीशीज दे शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन और इंक्रीज डाइवर्सिटी, इट लीड्स टू बेसिकली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. सो हाउ द स्पीशीज रिचनेस कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ एन इकोसिस्टम, इट इज स्टिल नॉट क्लियर. ठीक है, बस हमें यह पता है कि अगर इकोसिस्टम के अंदर ज्यादा स्पीशीज होंगी तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा. इसी बेसिस पे पॉल एर्लिस ने जो है अपना रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था. इसमें जो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी जो है हम लोगों ने देखी थी फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज. ठीक है, हाइपोथेसिस ने क्या एज्यूम किया था कि इकोसिस्टम हमारा जो है एयरप्लेन है. उन्होंने अज्यूम किया कि इकोसिस्टम हमारा एरोप्लेन है और स्पीशीज जो हमारे रिवेट्स हैं जो कि सारे पाथ्स को ज्वाइन कर रहे हैं. सो अगर हमारे एवरी पैसेंजर, इफ एवरी पैसेंजर पॉप्स अ रिवेट टू टेक होम व्हिच रिजल्ट्स इन द स्पीशीज एक्सटिंक्शन, वो स्टार्टिंग में जो है इकोसिस्टम को अफेक्ट नहीं करेगा, बट एज टाइम पासेस मोर एंड मोर रिवेट्स दे आर रिमूव द प्लेन, इट बिकम्स डेंजरसली वीक. दैट इज द इकोसिस्टम बिकम्स वीक जैसे मोर और मोर जो है स्पीशीज निकलती है. अगर रिवेट्स हमारे विंग पे लूज हो रहे हैं, दैट मीन्स द की स्पीशीज दे आर बींग लॉस्ट. उसकी वजह से क्या होता है, इट इज अ सीरियस थ्रेट टू द फ्लाइट वो सेफ्टी. इसके बाद में आते हैं, हाय ऋषिका, इसके बाद में हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन. जब हम टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन की बात करते हैं, फर्स्ट होते हैं जो कि नेचुरल एक्सटिंक्शन होते हैं, जो कि नेचुरल कलामिटी की वजह से होते हैं. ठीक है, नेचुरल एक्सटिंक्शन बच्चे नेचुरल कलामिटी की वजह से होते हैं. दूसरे कौन से होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक. दूसरे हमारे कौन से होते हैं, मास एक्सटिंक्शन. दूसरे हमारे होते हैं क्या, मास एक्सटिंक्शन. नेचुरल कैलामिटीज की वजह से जो होंगे वो हमारे नेचुरल एक्सटिंक्शन होंगे. फिर आते हैं हमारे मास एक्सटिंक्शन. अब मास एक्सटिंक्शन के अंदर क्या होता है, अर्थ बेसिकली हैज एक्सपीरियंस्ड 5 मास एक्सटिंक्शन एंड जो अब आएगा वो हमारा 6th होगा. सो मास एक्सटिंक्शन कितने साल पहले हुआ था, 225 मिलियन ईयर्स अगो लास्ट मास एक्सटिंक्शन इट अकर्ड. एंड जो अब होगा वो हमारा कौन सा होगा, 6th मास एक्सटिंक्शन होगा. जो अब होगा हमारा वो 6th मास एक्सटिंक्शन होगा. ठीक है, सो पर्म इन 225 मिलियन अगो इन पर्मियन जब 90% जो हमारा शैलो वाटर था ना, व्हेन 90% ऑफ द शैलो वाटर इन 90% ऑफ द शैलो वाटर इट गॉट एक्सटिंक्टेड एंड जो उसके अंदर हमारे जो मरीन इनवर्टिब्रेट्स थे दे वर एक्सटिंक्ट. मरीन इनवर्टिब्रेट्स दे वैनिश्ड. मास एक्सटिंक्शन के बाद जो हमारा तीसरा टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन आता है, दैट इज द एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. ये हमारी ह्यूमन रेस से कंसर्न है क्योंकि ह्यूमंस जो इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं नेचर की टू अटेन दिस एक्सटिंक्शन, वो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन के अंदर आता है. हाय मोहम्मद शमी. ठीक है, सो इट इज बेसिकली डन बाय ह्यूमन सेटलमेंट्स. जो भी अर्बनाइजेशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, वो हमारी ये एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन में ही आती है. ठीक है, सो जैसे कि हमारे जो तास्मेनियन वुल्फ है ऑस्ट्रेलिया के, दे आर एक्सटिंक्ट. डोडो ऑफ मॉरिशियस इज एक्सटिंक्ट, फॉर एग्जांपल डोडो ऑफ मॉरिशियस. तास्मेनियन वुल्फ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये जो है हमारे ही जो है, हम इतने ग्रेट काम कर रहे हैं कि सारे के सारे जो हमारे एनिमल्स है दे आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट. तो तास्मेनियन वुल्फ ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज. बेसिकली द एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन इज इट बिकॉज ऑफ द ओवर यूज बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है,
Loss of biodiversity, it is caused over by the overpopulation, urbanization and industrialization. सबसे पहला इसका example हम देख लेते हैं, जैसे कि colonization हुआ of the tropical Pacific islands by humans, it has led to the extinction of more than 2000 species of the native birds. So IUCN Red List जो कि हमारा जो है निकलती है, it documents the extinction of 784 species including 38 vertebrates, 359 invertebrates and 87 plants in last 500 years. Fictions, poppies fiction, right? Poppies fiction. So latest example of recent extinctions वो कौन से हैं? एक तो डोडो हो गया, मॉरिशस को आ गया ने अफ्रीका, थाइलस इन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलस सीका और रशिया और बाकी सारे extinctions हुए हैं. So careful analysis of the records show that amphibians appear to be more vulnerable to the extinction. ठीक है, amphibians they are more vulnerable to the extinction. अब इसके results क्या हैं? Results of the loss of biodiversity, first in the decline in the plant population, lowered resistance to environmental stresses, increased वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम, क्योंकि उनके अंदर से स्पीशीज लूज हो रही हैं तो इकोसिस्टम स्टेबल नहीं है. ठीक है, सो फर्स्ट कॉज ऑफ हैबिटेट बायोडायवर्सिटी लॉस इज द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. जैसे कि इसका नाम बताता है, इसमें क्या होता है कि जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है हैबिटेट का और जब एक हैबिटेट टूट के इन टू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाता है, दैट इज द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. एम आई क्लियर? जैसे कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो अब सिर्फ 6% ऑफ द लैंड एरिया ले रहे हैं, पहले वो 14% ले रहे थे. तो आप ये देख सकते हो कि जो कि एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर पहले रह रहे थे वो अब नहीं रह पा रहे होंगे, क्योंकि काफी सारा एरिया जो है लूज हो गया है. ठीक है, सो व्हेन लार्ज हैबिटेट्स दे आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, सो द बर्ड्स एंड मैमल्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज, सर्टेन एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिटेट्स, दे ऑल आर बैडली अफेक्टेड एंड इट लीड्स टू फ्रैगमेंटेशन. ठीक है, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया. नेक्स्ट हमारा आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, विच इज द यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज बाय द ह्यूमंस, विच हैज लेड टू द डिग्रेडेशन एंड द एक्सटिंक्शन ऑफ द रिसोर्सेज, है ना. फॉर एग्जाम्पल स्टेलस सीका हो गया, पैसेंजर पिजन हो गया. फिर हमारा आता है इन्वेजन ऑफ द एलियन और एक्सोटिक स्पीशीज. एलियन या फिर एक्सोटिक स्पीशीज लाई जाती है टू गेट रिड ऑफ सम वीड और एनीथिंग, बट वो जो है ओवरली एक्सप्रेस हो जाती है, तो इट मे लीड टू इन्वेजिव एंड इट कैन कॉज हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम, कॉजिंग एन एक्सटिंक्शन एंड द ऑफ द इंडिजिनियस स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल जो नाइल पर्च हमारी लेक विक्टोरिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, वो वहां की सारी किकलेट फिशेज को खत्म कर दिया है. इट हैज लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द किकलेट स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल है हमारी जो इन्वेजिव वीड स्पीशीज होती है, जो कि पार्थेनियम, कैरेट ग्रास होती है, लैंटाना, इकॉर्निया, दे हैव ऑल्सो कॉज इन्वायरमेंटल डैमेज दैट पोज थ्रेट टू द नेटिव स्पीशीज. Co-extinctions, when a species becomes extinct, जो plant और animal species, for example, दो, एक plant है, एक animal है, they are dependent on each other. अगर एक उसमें से plant species की जो है extinction होगी, तो animal species भी जो है ultimately extinct हो जाएगा, तो that is known as co-extinction. For example, if the host species become extinct, all those parasites which are found on it, they will also become extinct, क्योंकि वो अपने host के ऊपर ही dependent है, क्योंकि वो अपने host के ऊपर ही dependent है. सो देर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से जो है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की जा रही है. दे कैन बी नैरोली अटिलिटेरियन, ब्रॉडली अटिलिटेरियन एंड लास्टली एथिकल आर्ग्यूमेंट्स. ये तीन आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये पुट फॉरवर्ड किए गए हैं कि क्यों हमें बायोडायवर्सिटी को बचाना चाहिए, स्टार्टिंग विद द नैरोली अटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स. इसमें क्या है, इसमें हम लोग शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देख रहे हैं जो कि ह्यूमंस डिराइव करते हैं. इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो गए, फूड हो गया, फायरवुड हो गया, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लुब्रिकेंट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के प्रोडक्ट्स. सो मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग नैरोली अटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देख रहे हैं ऑफ ह्यूमंस, कि हमें इसलिए बायोडायवर्सिटी को बचाना चाहिए. सो विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग, सो नेशंस एडोर्ड विद रिच बायोडायवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप एनॉर्मस बेनिफिट्स. बहुत सारे बेनिफिट्स आएंगे अगर बायोडायवर्सिटी को बचाते हैं. जो ब्रॉडली अटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट है बच्चों, उसमें क्या होता है, हम लोग लॉन्ग टर्म देखते हैं कि कितना बड़े लेवल पे बायोडायवर्सिटी इट इज हेल्पिंग अस आउट. ठीक है, सो
सो बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज जो कि नेचर प्रोवाइड करती है. द फास्ट ड्विंडलिंग अमेजोन फॉरेस्ट इट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन. मतलब हम लोग ब्रॉडर व्यू के अंदर सोच रहे हैं इन द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट कि हमारा जो इकोसिस्टम है इट इज प्रोड्यूसिंग 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. पॉलिनेशन करवा रहा है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विस है, तो ये वाली हम लोग देख रहे हैं. और लास्टली जो हम लोग एथिकल आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं कि वी ओ मेनी थिंग्स टू द प्लांट्स. प्लांट्स को हम लोग बहुत चीजें ओ करते हैं. एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि एक हमेशा गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रहता है ना. व्हेन वी टॉक अबाउट एथिक्स तो हमारे एथिक्स यही कहते हैं कि इट इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. अगर हमें इकोसिस्टम बहुत सारी चीजें दे रहा है, इट इज आर ड्यूटी दैट वी ओ देम समथिंग. सो दिस इज वॉट द कंजर्वेशन दैट वी ओ देम है ना, कंजर्वेशन दैट वी ओ देम फॉर बायोलॉजिकल लेगेसी इन गुड ऑर्डर टू मेंटेन द फ्यूचर जनरेशन. सो IUCN ने जो है, जो हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, उन्होंने एक लिस्ट निकाली कि कौन कौन सी स्पीशीज जो है कौन कौन से कैटेगरीज में फॉल करती हैं और कौन सी जो है एक्सटिंक्ट होने के बिल्कुल ही नजदीक है और कौन सी जो है दूर है. इसको आजकल हम लोग जो है WCU भी बोल सकते हैं, IUCN भी बोल सकते हैं, WCU भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन. तो अगर हमारा IUCN आ जाए या फिर WCU आ जाए, तो दोनों में से कोई भी जो है एक ही बात है, ठीक है. उन्होंने जो है रेड लिस्ट निकाली है, रेड डेटा बुक. रेड डेटा बुक, रेड का मतलब तो वैसे ही होता है डेंजर, तो उन्होंने एक रेड डेटा बुक निकाली है जिसके अंदर जो टैक्सा है दे आर फेसिंग एक्सटिंक्शन, उनकी लिस्ट निकाली है. तो उस रेड डेटा बुक के अंदर जो है हमारी ये सारी कैटेगरीज आई है, ठीक है, हमारी ये सारी कैटेगरीज आई है. सबसे पहले जो है हमारी ये थ्रेटन्ड कैटेगरीज आई है, एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब कुछ स्पीशीज जो कि पूरी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, दूसरी जो कि वाइल्ड के अंदर एक्सटिंक्ट हुई है, डोमेस्टिकेट हम उन्हें कर सकते हैं. फिर हमारा आया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड. क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज वो हैं जो कि हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रही हैं. एंडेंजर्ड स्पीशीज वो हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी हैं, विच आर ऑल्सो फेसिंग द हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. बट इसमें क्या है कि इनका हैबिटेट डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन हैबिटेट. फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारे रेड पांडा, एंडेंजर्ड स्पीशी का एग्जाम्पल क्या है हमारा रेड पांडा, इट इज एंडेंजर्ड. फिर हमारी आती है वल्नरेबल, अभी तो उनकी सफिशिएंट पॉपुलेशन है बट इन नियर फ्यूचर दे मे डिप्लीट. फॉर एग्जाम्पल दी ब्लैक बक, दे आर प्रेजेंट इन सफिशिएंट पॉपुलेशन में अभी है, बट हाँ इन फ्यूचर अगर बचाया नहीं गया दे माइट बी एक्सटिंक्ट. तो उसके बाद में आते हैं हमारे नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डेटा डिफिशिएंट और नॉट इवैल्यूएटेड. नॉट इवैल्यूएटेड मतलब उन स्पीशीज को भी देखा ही नहीं है, कुछ का डेटा नहीं है, कुछ जो है बहुत ज्यादा तादाद में है तो दे आर लीस्ट कंसर्न. और नियर थ्रेटेंड मतलब वल्नरेबल के बाद, मतलब वो भी काफी पॉपुलेशन के अंदर है, काफी पॉपुलेशन के अंदर तो है बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब अभी वो है काफी अमाउंट में है. तो ये जो है रेड डेटा बुक ने लिस्ट निकाली है, सो कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी की जब हम लोग बात करते हैं, सो इट अकर्स एट ऑल द लेवल्स. बेसिकली किसके अंदर होती है, इन सेतु एंड एक्स सेतु. दैट्स ग्रेट वैष्णव, थैंक यू सो मच. यस ऋषिका, यस ऋषिका यू आर राइट एंड थैंक यू सो मच वैष्णव. इट मीन्स अ लॉट. ठीक है, जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो काफी लेवल्स पे जो है बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन होती है, दैट इज इन सेतु एंड एक्स सेतु कंजर्वेशन. इन सेतु मतलब इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जब हम पूरे नेचुरल हैबिटेट को लेके उनको कंजर्व करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, दैट इज द इन सेतु कंजर्वेशन. और वही एक्स सेतु क्या होता है कि सिर्फ उसके अंदर से हम लोग वाइल्ड लाइफ को लेके जाते हैं और उनको कंजर्व करते हैं एट सम अदर प्लेस. ठीक है, सो दैट इज ऑफ साइट कंजर्वेशन. सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो है कंजर्वेशनिस्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे हाई लेवल्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस है, जहां पे हमारी हाई लेवल्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस है.
So initially 25 biodiversity hotspots they were identified, but 9 more they have been added to in world. Kitne ho gaye hain? Total 34 biodiversity hotspot ho gaye. They constitute in Setu conservation. They constitute in Setu conservation, and these hotspots, they are also the regions of the accelerated habitat loss. Theek hai? So 3 of these hotspots, they are Western Ghats, Sri Lanka, Indo-Burma and Himalaya, which cover our country's exceptionally high biodiversity regions. So 14 biosphere reserves हैं इंडिया के अंदर, 90 नेशनल पार्क्स हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, इंडिया में. So in many cultures the tracts of forest they were set aside and all the trees and the wildlife they were then venerated and they were given total protection, and such are known as sacred groves, and they are present in the Khasi and the Jayantia hills in the Meghalaya, Aravali hills of Rajasthan, Western Ghat regions of Karnataka and Maharashtra, and Sarguja, Chanda and Bastar regions of the Madhya Pradesh. So jab jo hai hum log kuch forest ke jo tracts hai unko aside karke trees aur wildlife ko jo hai total protection provide karte hain, that is known as sacred groves, that is known as sacred groves. Yes Rishika. फिर हमारी आती है एक सेतु कंजर्वेशन, जिसके अंदर क्या होता है, जो थ्रेटन एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के एक स्पेशल सेटिंग के अंदर प्लेस किया जाता है, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, बोटानिकल गार्डन्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हो गए, है ना, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हो गए. दे आर यूज फॉर दिस पर्पज, बच्चों दे आर यूज फॉर दिस पर्पज. नाउ द गैमेट्स ऑफ द थ्रेटन स्पीशीज दे आर ऑल्सो बींग प्रिजर्व्ड एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर द लॉन्ग पीरियड, एंड दिस इज नोन एज द क्रायो प्रिजर्वेशन. ये आजकल बहुत चल रही है कि जो उनके थ्रेटन स्पीशीज के जो गैमेट्स है उनको प्रिजर्व करके आगे प्रोजेनी को फर्टिलाइज करवा के जो है आगे प्रोजेनी को डेवलप किया जा रहा है, विच इज नोन एज द क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक. ठीक है, सो एग्स दे कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपोगेटेड, दे कैन बी प्रोपोगेटेड यूजिंग द टिश्यू कल्चर टेक्निक. तो जब हम लोग कंजर्वेशन करते हैं इन द एक्स सेतु कंजर्वेशन, तो ये हमारे कुछ एरिया होता है. जब हम ऑफ साइट कंजर्वेशन करते हैं तो सबसे बाहर वाला एरिया होता है, दैट इज यूज फॉर टूरिज्म एंड रिक्रिएशन. उससे अंदर वाला एरिया जो होता है, आर वाला एरिया, दैट इज फॉर रिसर्च. रिसर्च के लिए हम वो वाला एरिया यूज कर सकते हैं. उससे थोड़ा सा अंदर जो है हमारा एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग वाला एरिया आ जाता है. फिर हमारा आता है क्या, टी विच इज टूरिज्म, देन उसके बाद में आर वाला एरिया आता है विच इज फॉर रिसर्च. मतलब इसके अंदर जो है हम लोग, ये हमारा कोर एरिया होता है, ये हमारा बफर एरिया होता है, ये हमारा ट्रांजिशन एरिया होता है. तो जब भी हम लोग एक्स सेतु कंजर्वेशन के अंदर सेटिंग करते हैं ना, एक्स सेतु कंजर्वेशन के अंदर सेटिंग करते हैं, तो हमारे पास ये थ्री मेजर एरियाज के अंदर हम उस एरिया को डिवाइड करते हैं, विच इज द कोर एरिया, बफर एरिया एंड ट्रांजिशन एरिया. ट्रांजिशन एरिया के अंदर हम लोग टूरिज्म अलाउ करते हैं, बफर एरिया तक भी हम लोग टूरिज्म अलाउ कर देते हैं, बट जो कोर एरिया है जिसके अंदर सिर्फ वाइल्ड लाइफ और वही प्रोटेक्टेड स्पीशीज है, उसके अंदर सिर्फ रिसर्च का काम होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है. ह्यूमन सेटलमेंट जो है हमारी हमारी बफर एरिया तक ही रहती है. कोर एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ सोलली रिसर्च का काम होता है. कोर एरिया के अंदर सिर्फ सोलली एंड सोलली रिसर्च का काम होता है. सो बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज. तो हिस्टोरिक कन्वेंशन हुआ था ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विच इज द अर्थ समिट, बहुत ज्यादा फेमस था इन रियो डी जेनेरियो, विच वॉज हेल्ड इन 1992 एंड इट वॉज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट समिट, जिसके अंदर सारे नेशंस को बुलाया गया था और उनको बताया गया था कि वी शुड टेक ऑल द अप्रोप्रिएट मेजर्स टू फॉर कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन. जब हम सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, दैट मीन्स अभी भी हम रिसोर्सेज इस एफिशिएंट तरीके से यूज करें कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए वो रिसोर्सेस बचे रहें. सो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक फॉलोअप हुआ था, विच वाज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन 2002, जिसके अंदर 190 कंट्रीज दे प्लेज देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010 अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट द ग्लोबल, रीजनल एंड द लोकल लेवल्स. हर लेवल पे जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करने के लिए उन्होंने प्लेज किया था 190 कंट्रीज ने. तो बच्चों ये था हमारा वन शॉट ऑफ द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन. इसके बाद में आपको कोई डाउट्स हैं तो आप जो है मुझे बता सकते हैं. इफ देयर आर एनी डाउट्स यू कैन टेल. यस ऋषिका, तो आप मेरे को बता सकते हैं कोई डाउट है. बाकी जो है मैं 12th के टाइमिंग्स आपको दोबारा बता देती हूं, विच इज 10 AM एंड 6 PM डेली. ये 12th लाइव के हमारे टाइमिंग्स है. और जब मैं 11th की बात करती हूं तो 11th के टाइमिंग्स क्या है, 1 PM एंड 4 PM डेली.
तो आपने जो है मेरे साथ ये चारों सेशंस के अंदर जुड़ना है, और जो भी डाउट्स हो डाउट्स लेके आओ, क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी जितना हो पाएगा. हम लोग टर्म टू के बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे और हाँ 35/35 मार्क्स लेके आएंगे. सो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है आइडा 24/7 स्कूल के चैनल को. मिलते हैं अगले सेशन में जो कि हमारा 11th का सेशन है, 8:01 PM. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.